दादाजी मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ दादाजी, मैं आ रहा हूँ। बिट्टू इस घर के अंदर मत जाना, इस घर में चुड़ैल रहती है, डायन भूतनी। नहीं, मैं अपने दादाजी को कुछ होने नहीं दूंगा। कुछ देर पहले मैं बिट्टू यमला पगला दीवाना। अरे चुप हो जा बेटा, सुधर जा वरना बड़ा होकर यमला पगला आवारा ही बनेगा। सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए ये सब हरकतें कर रहा है बेटा। परेशानी हमने अपने जमाने में देखी है, ना ढंग से खाना मिलता था, ना ढंग से कपड़े मिलते थे। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है इसलिए ये सब हरकतें कर रहा है बेटा। ऐसा ही रहा तो बड़े होकर अनपढ़ भिखारी बनेगा, बाकी तुझे कुछ करना है नहीं। बिट्टू को सब मिल रहा है इसलिए वो अनपढ़ भिखारी बनेगा। तुझे कुछ नहीं मिला, ना कपड़े ढंग से मिले, ना खाना ढंग से मिला, तू बन गया कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। अरे पिताजी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो समझा रहा था उसको। अबे चुप, बेरोजगार। पिताजी बेरोजगार बोलकर बेइज्जती तो मत करो, तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया, आज अपने बच्चों से बोल रहा है मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, ढंग से कपड़े नहीं दिए, ढंग से खाना नहीं दिया, कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे ही बाल सफेद कर दिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बेटा, ऐसे ही बूढ़ा हो गया मैं। अरे पिताजी मेरा मतलब ये नहीं था, आप बेमतलब गुस्सा कर रहे हो। अरे चुप, सब पता है, सब पता है बेटा, सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ बाप। मैं जा रहा हूँ इस घर से, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, मेरी अंतिम बार शकल देख ले। पोते तू भी मेरी शकल देख ले, बहू तू भी देख ले, देख लिया, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो, अरे पिताजी, अरे मत जाओ, मत जाओ, अरे पिताजी मत जाओ। कर दिया नाराज ससुर जी को। अरे भाई साहब अंकल जी को क्या हुआ, बाहर मुझे पूछ रहे थे ऐसी जगह बताओ जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता है। मैंने कहा पीछे मोहल्ले में एक भूतिया घर है जहाँ चुड़ैल रहती है, जो भी उस घर में जाता है वो चुड़ैल उसको खा जाती है, तो वो उस घर में चले गए हैं। ऐसा क्या हुआ अंकल जी को, जल्दी जाओ अंकल जी को बचा लो, वो चुड़ैल उनको खा जाएगी। मैंने बताना था बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। मेरे दादाजी मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, मेरे दादाजी। अरे बिट्टू तू उस घर में मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। अरे बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू के पापा, मेरे बिट्टू को और ससुर जी को बचा लो, बचा लो, बचा लो। मेरे पिताजी मैं आ रहा हूँ। मेरा ससुर जी, आ, मेरा बिट्टू, आ, 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 दादाजी मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ दादाजी, मैं आ रहा हूँ। बिट्टू इस घर के अंदर मत जाना, इस घर में चुड़ैल रहती है, डायन भूतनी। नहीं, मैं अपने दादाजी को कुछ होने नहीं दूंगा। बिट्टू के पापा, बिट्टू और ससुर जी को बचा लो, बचा लो। हाँ हाँ चल 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 चल। बिट्टू के पापा चुड़ैल। दादाजी, दादाजी चल बाहर चल, अभी चुड़ैल सोई है, चल चल बाहर चल। दादाजी, दादाजी कहाँ हो, कहाँ हो दादाजी, दादाजी कहाँ हो। बिट्टू भाग, चुड़ैल उठ गई, भाग भाग, चल 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 भाग भाग। कहाँ भागोगे हाँ? जो इस घर में एक बार आ जाता है उसका भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि मैं चुड़ैल उसको खा जाती हूँ। मार डालती हूँ। बिट्टू के पापा मुझे डर लग रहा है ये चुड़ैल हमको खा जाएगी, मुझे इतना डर लग रहा है, मैं डर की वजह से कांप रही हूँ, देखो देखो कितना कांप रही हूँ मैं। अरे चुप, पागल हो गई है क्या चुड़ैल, ये बता मेरे दादाजी कहाँ है, कहाँ है मेरे दादाजी, दादाजी कौन दादाजी, किसके दादाजी। मेरे दादाजी यही आए थे इसी घर में, मेरे दादाजी कहाँ है, कहाँ है मेरे दादाजी। जो इस घर में आता है मैं उसको खा जाती हूँ, अब मुझे क्या पता कौन किस
दादाजी को खा गई। मेरे दादाजी को मार दिया तूने। तूने मेरे दादाजी को मार दिया। हाँ, खा गई। बोल क्या करेगा? अब मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तुम सबको मार दूंगी। चुप! इधर आ। बिट्टू पागल हो गया है क्या? भागने की बजाय चुड़ैल को अपने पास बुला रहा है। चल चल भाग यहाँ से। चुड़ैल इधर आ। लगता है मरने की जल्दी है। चले आ गई। तूने एक चुड़ैल को थप्पड़ मारा। तूने एक भूतनी को थप्पड़ मारा। मैं तुझे खा जाऊंगी। तूने एक चुड़ैल को फिर थप्पड़ मारा। तूने एक भूतनी को दो दो बार थप्पड़ मारा। हाँ मारा। मैं तुझे खा जाऊंगी। जब तुझे दो थप्पड़ से इतना बुरा लग रहा है तो सोच, तूने मेरे दादाजी को मारा, उनको खा गई, तो मुझे कैसा लग रहा होगा? पापा चलो घर चलो। मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। मैं खा जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप। चलो चलो घर चलो। मुझे दो थप्पड़ मारकर चले गए। मैं चुड़ैल भूतनी कुछ नहीं कर पाई। कितनी याद आ रही है मुझे दादाजी की। मेरे ससुर जी कितने अच्छे लग रहे थे, यहाँ पर बैठे थे। सब बिट्टू की वजह से हुआ। अरे क्या हो गया? दादाजी बिट्टू के पापा भूत। भूत? भूत भूत। अरे चुप हो जा। अपने बाप को भूत कह रहा है? इसी दिन के लिए पैदा किया तुझे? पिताजी आप तो चुड़ैल के घर गए थे, हमने सोचा आपको चुड़ैल खा गई। अरे चुप हो जा, फालतू बातें कर रहा है। मैं बाहर गया था लेकिन वापस घर आ गया, घर में देखा कोई है नहीं, तो फिर मैं आराम से सो गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? मेरा दादाजी मैंने सोचा आपको चुड़ैल खा गई है। मेरे दादाजी मेरे पोते